हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है चंदा का घर और यहाँ पे चंदा भी बर्तन कलर कर रही है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे वाह, मेरा बर्तन कितना सुंदर कलर हो गया है। चलो अच्छा, अब तो मैं घर पे ही पेंट करके बना दिया करूंगी अपना बर्तन। अरे अरे, ये तो बहुत ही जोर से बिजली कड़क रही है। लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। अरे लेकिन ये सोनम कहाँ पर रह गई, अभी तक नहीं आई। स्कूल बस को आज लेट कैसे हो गया, और ये सोनम के पापा भी पता नहीं कहाँ गए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ। अरे आप आ गए सोनम के पापा। हाँ हाँ भाई, मैं आ गया। क्या हुआ, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो। यहाँ की सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं बारिश की वजह से, इसलिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ा। अच्छा, इसीलिए आपको लेट हो गया, तभी तो बोलूँ कहाँ पर रह गए। अरे सोनम की मम्मी, ये लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा भारी है, मैं इन्हें रख कर आ जाता हूँ जल्दी से। अरे बाप, मेरा कमर जैसे अभी टूट जाएगा। और यहाँ सोनम के पापा टूटी हुई लकड़ियाँ रखने लगते हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ही जोर से बीमार पड़ने वाला हूँ मैं। अब बताओ सोनम की मम्मी, क्या हुआ। अरे हाँ सोनम के पापा, वो सोनम नहीं आई अभी तक, उसको स्कूल बस अभी तक नहीं आई। कितना लेट हो गया है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। अरे भाई, तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम्हें पता है ना रास्तों का क्या हाल हो गया है, कीचड़ से भरा हुआ है पूरा, तुम भी ना। अच्छा मैं जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मेरे कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ मैं। अरे लगता है सोनम के पापा बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, शायद आ जाएगी सोनम अभी थोड़ी देर में। अरे लगता है बारिश भी होने वाली है, क्या करूँ। चलो जाती हूँ मैं, बर्तन रख देती हूँ जल्दी से। ये बारिश के महीने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। चलो रख देती हूँ बर्तन को जल्दी से, जाके सोनम के पापा से पूछ लेती हूँ उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। अच्छा सोनम के पापा, आपके लिए कुछ ले आऊँ क्या मैं, खाने के लिए पीने के लिए। अरे नहीं सोनम की मम्मी, रहने दो, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और फिर तभी राधा श्याम के साथ चंदा के घर आ जाती है। चंदा दीदी कहाँ पर हैं आप, देखिए मैं आई हूँ। सोनम को लेकर आ गई क्या आप। अरे अरे आओ राधा, कैसे आना हुआ तुम्हारा, बहुत ही अच्छा किया तुम आ गई। अरे हाँ दीदी, वो दरअसल मैं पूछने आई थी। क्या हुआ, क्या पूछने आई थी तुम, बताओ तो। अरे दीदी सोनम कहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रही, आप उसे लाने नहीं गई क्या। आपको नहीं पता, बस वाले उनको पहले ही स्टॉप पे रोकने वाले हैं। आपको तो पता है ना रास्ता कितना ज्यादा गंदा हो गया है, फोन नहीं आया क्या आपको। नेहा दीदी से मुझे पता चला तो मैं आ गई आपसे थोड़ी देर बातें करने के लिए। अरे ये क्या बोल रही हो राधा तुम, मुझे तो फोन ही नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे तभी तो बोलो कि सोनम कहाँ पर रह गई। और देखो ना, बारिश का महीना है, बारिश भी होने वाला है, कितनी जोर से बिजली कड़क रही है, अब हम क्या करें। अरे दीदी क्या करें क्या मतलब, भाई साहब को बोलो जाकर ले आए जल्दी से सोनम को। और क्या, और तो और उस स्टॉप पे ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, बेचारे बच्चे अकेले ही बैठे होंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी बस नहीं आई होगी स्टॉप पर। अरे हाँ राधा तुम सही बोल रही हो, लेकिन उन्होंने फोन क्यों नहीं किया मुझे, मेरे मोबाइल में तो रिचार्ज भी है। चलो कोई बात नहीं, शायद भूल गए हो। और फिर तभी मोबाइल की घंटी बजने लगती है। अरे लगता है फोन आ गया, चलो जाकर देखती हूँ, शायद स्कूल से ही फोन हो। हेलो हेलो, हाँ टीचर जी क्या हुआ, आप सोनम की मम्मी बोल रही हैं क्या। हाँ आज स्कूल बस आपके घर तक नहीं आएगी, आपको पहले स्टॉप से उन्हें लेकर आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, ठीक है फिर मैं रखती हूँ, शुक्रिया टीचर जी। अरे अब मैं क्या करूँ, जाकर सोनम के पापा को बोलती हूँ जल्दी से ले आए सोनम को। चलो जाती हूँ। सोनम के पापा जल्दी उठिए, लगता है ये तो सो गए। और यहाँ सोनम के पापा खराटे मारकर सो रहे हैं। अरे सोनम के पापा उठ जाइए जल्दी से, सोनम को जाकर ले आइए पहले स्टॉप से, आज स्कूल बस यहाँ तक नहीं आने वाली है। उठिए सोनम के पापा, जल्दी से उठ जाइए। अरे भाई सोनम की मम्मी, क्या हुआ, जरा सोने दो, मुझे आराम करने दो, लगता है मेरी तबीयत खराब होने वाली है, जाकर तुम ही ले आओ सोनम को, लगता है मैं बहुत ही जोर से बीमार पड़ने वाला हूँ, जाओ बिटिया को ले आओ वरना भीगते भीगते आना पड़ेगा बच्चों को। अरे सोनम के पापा, अरे ये क्या बिजली तो बहुत ही जोर से, अरे ये तो बारिश होने लगी, अरे बिजली भी कड़क रही है, अब मैं क्या करूँ, बच्चे वहाँ पर अकेले ही होंगे। राधा राधा चलो चलो, हमको जल्दी जाना पड़ेगा, बच्चे वहीं पर बैठे हुए हैं स्टॉप पे, बारिश भी होने लगी, अब हम क्या करें, वो छतरी भी लेकर नहीं गए हैं। अरे हाँ दीदी ये तो बहुत ही बुरा हुआ, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं हम सब, बेचारे बच्चे। हाँ हाँ चलो राधा, सोनम के पापा आप सब अंदर कर दीजिए और आप भी अंदर सो जाइए। अरे राधा तुम भी चलो ना मेरे साथ प्लीज। चलिए हम जल्दी से चलते हैं, सोनम और सब अकेले ही बैठे होंगे, चलिए चलिए। अरे अरे रुको राधा,
अरे क्या हुआ दीदी, अब किस लिए रोका आपने? अरे रुको, मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ, रास्ते में बच्चों को कुछ खिला भी दूंगी। चलो जाती हूँ, जल्दी से ले आती हूँ, बेचारी राधा मेरा कितना साथ देती है। हाँ हाँ राधा रुको, मैं आ रही हूँ। चलो चलो चलते हैं जल्दी से, बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। चलो चलो। हाँ हाँ दीदी चलिए आप भी ना। वैसे राधा तुम्हें श्याम को यहीं पर छोड़ देना चाहिए था, कैसे संभालती हो तुम श्याम को? अरे दीदी कुछ नहीं होता है, तो मुझसे चिपका ही रहता है, मुझसे अलग ही नहीं होता है, जाने दीजिए। और यहाँ पर सोरन की स्कूल बस वहाँ से आने लगती है। अरे भाई चलो चलो जल्दी चलो आगे लो। अरे हाँ हाँ भैया रुको, मैं अभी बच्चों को उतारता हूँ फिर आगे रहता हूँ। चलो चलो बच्चों बस स्टॉप आ गया, उतर जाओ यहाँ पर से भी बच्चे, उतरो जल्दी जल्दी, लाइन में उतरना ठीक है ना, वरना मार पड़ेगी। चलो बच्चा लोग उतरो यहाँ पर, आगे का रास्ता अच्छा नहीं है, इसीलिए इसी स्टॉप पर रुकना पड़ेगा। चलो चलो उतरो। सभी के माता पिता को बुला लिया गया है, अभी स्टॉप के बच्चे जल्दी से उतर जाओ, मुझे दूसरे जगह पर भी बच्चे छोड़ने जाना है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बारिश हो रही है और हमें इसी स्टॉप पे उतारने की बात कर रहे हैं, अब हम क्या करें चिंकी? अरे हाँ सोनम तुम सही बोल रही हो, चलो चलो उतरते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं बहुत ही जोर से बारिश हो रही है, चलो आ जाओ चिंकी। हाँ मैं आ रही हूँ सोनम। अरे मीना तुम क्यों नहीं उतर रही हो, तुम्हारा भी तो घर यहीं से है थोड़ी दूर, तुम उतर रही हो? अरे सोनम मेरे घर का रास्ता अच्छा है, इसलिए मुझे वहीं पर छोड़ेंगे, तुम सब जाओ, मैं अपने घर पर तो पहुँच जाऊंगी बस से ही। तुम सब मजे करना ठीक है ना? हाँ हाँ सोनम बाय बाय चिंकी। ठीक है चलो तुम सब कोई बाय बाय। अरे चिंकी देखो यहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा है, इस वाले स्टॉप के पास तो सिर्फ मैं पापा के साथ आई हूँ। अच्छा बच्चों मैं गाड़ी शुरू करने जा रहा हूँ, सब लोग अच्छे से सीट बेल्ट बांध लेना, चलो चलो। अरे देखो ना चिंकी कितनी जोर से बारिश हो रही है, और मम्मी भी हमें लेने नहीं आए, अब हम क्या करेंगे? अरे हम क्या करेंगे, मुझे डर लग रहा है। हाँ सोनम कितना सुनसान जगह है ना, यहाँ पर तो एक भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं यहाँ पर भूत ना हो। देखो ना यहाँ पर एक इंसान भी नहीं दिख रहा। अरे हाँ चिंकी, अरे देखो देखो लगता है मम्मी राधा आंटी और नेहा आंटी सब लोग आ रहे हैं। अरे वाह वो सब आ गए, बहुत ही मजा आया बहुत ही मजा आया। यहाँ राधा चंदा और नेहा बच्चों को लेने के लिए आ जाते हैं। अरे बच्चों हम आ गए, हमें माफ कर दो थोड़ा ज्यादा देर हो गया, तुम सब ठीक तो हो ना यहाँ? अरे सोनम बारिश हो रही है, चलो चलो हमें जल्दी जाना पड़ेगा वरना हम सब भीग जाएंगे, मुझे माफ कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं मम्मी, चलिए चलिए हम जल्दी से घर पे चलते हैं, बहुत ही ठंडी लग रही है, चलिए ना चलते, मुझे भूख भी लगी है बहुत जोरों की, चलो चलो चलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।